नमस्कार दोस्तों, दिल्ली फ्रूट मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 23 फरवरी 2023 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज नरेश भाई क्या कुछ बाजार चला, मंडी में टमाटर की कितनी गाड़ियां आई। चलिए जान लेंगे दोस्तों जो भी रेट बताएंगे, 25 किलो की टमाटर की क्रेट के रेट है दोस्तों। टमाटर चाहे देसी हो, देसी गोल वाले को बोलते हो, हाँ हाइब्रिड लंबे वाले जो तुम देख के आए हो ये वाला लाड है। इसका भी रीजन बता दूं, हाइब्रिड टमाटर ज्यादातर होटलों में चलता है क्योंकि ये चटनी में काम होता है। ये जो है सब्जी में, खाने में, जैसे आलू मटर की सब्जी बनानी हो उनमें स्वाद चलेगा। हमने 200 का लाड दिया, ये लंबे वाला टमाटर चलेगा। चलिए दोस्तों जान लेंगे आज क्या रिपोर्ट है, क्या स्थिति है इनके पास, जो गोल टमाटर की गाड़ी भी आई और लंबे वाला हाइब्रिड भी है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा साहब, नमस्कार भाई साहब जी। आज कितनी गाड़ियां हैं जी? देखिए मार्केट के अंदर गाड़ियों की आवक जो है वो 33-34 गाड़ी की आवक है मार्केट के अंदर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और बाजार के अंदर थोड़ा सा कल के कंपैरिजन ग्राहकी कमजोर है, माल इतना नहीं है, माल तो आज कम लग रहा है देखने में। हाँ माल कल ज्यादा था मंडी के अंदर। अच्छा जी। पर ग्राहकी थोड़ी सी कमजोर लग रही है, कारण पता नहीं क्या है कि भाई जिस हिसाब से माल कम है थोड़ा थोड़ा ग्राहकी ठीक होनी चाहिए थी। हाँ जी। हो सकता है 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद कुछ मार्केट में कस्टमर अच्छा निकल जाए। अच्छा जी। तो सबसे पहले आप क्वालिटी दिखाइए, ये देखिए क्वालिटी कितनी खूबसूरत है। हाँ जी। ये देखिए वाले माल भाई साहब, इंदौर का टमाटर है। अच्छा जी। हाँ जी, टमाटर बहुत फाइन क्वालिटी के टमाटर है ये, हाइब्रिड में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, ये समझ के चलिए इस टमाटर की आज की पोजीशन बढ़िया जो माल है वो 350-60 रुपए के रेंज के बिक रहे हैं। अच्छा जी। जो अच्छे टमाटर हैं वो 350-60 रुपए की रेंज के बिक रहे हैं। हाँ जी। जो मोटे टमाटर बोल्डर टमाटर हैं। हाँ जी। इसके अंदर जो हल्के टमाटर हैं, छोटे टमाटर हैं, उनकी पोजीशन 270-280 रुपए की है। और जो ज़्यादा हल्के हैं जैसे ये रतलाम का टमाटर है देखिए। हाँ जी। ये बिल्कुल छोटा टमाटर है, गोली टमाटर है। हाँ, तो इस टमाटर की पोजीशन 170-180 रुपए की आज की डेट में है। और ये ग्रेड भी रतलाम ही है, ये क्या है इस ग्रेड को बनाया हुआ है। अच्छा। जैसे ऊपर नीचे कर देते हैं ना देखिए। हाँ हाँ, है रतलाम ही है। अच्छा जी। अच्छा, यानी मुंह बनाया, छाप लगा दी, छाप लगा दी है। अब ये देखिए टमाटर, देखिए हल्का है टमाटर ये। तो ये आज आखिरी गाड़ी थी और शायद मुझे लगता है कि अब रतलाम का टमाटर नहीं आ पाएगा मार्केट में। अच्छा। बिल्कुल आउट हो जाएगा क्योंकि अब ये टमाटर जो है ना बिल्कुल ही एक तरीके का खत्म हो गया है। अच्छा जी, जो आने वाले टाइम के ऊपर थोड़ा सा नजर आ रहा है कि बाजार में कहीं ना कहीं थोड़ी सी तेजी की संभावना एक नजर आ रही है। हाँ जी। क्योंकि साउथ के अंदर टमाटर लगातार बरकरार है, वहाँ पर बाजार जो है जो भी टमाटर भेज रहा है उनके पैसे अच्छे बन रहे हैं। हाँ जी। तो इसलिए एक आड़ती की एक सोच ऐसी बनी पड़ी है कि मार्केट कहीं ना कहीं जो सी है ना वो स्टे रहेगी, मंदे की पॉसिबिलिटी फिलहाल 10 दिन तक नहीं है। अच्छा। आगे 10 दिन बाद कुछ मार्केट के अंदर मंदा हो जाए वो भी तब होगा जब पीछे जाके कहीं ना कहीं साउथ में बाजार मंदा होगा। तो इस टाइम पे मार्केट के अंदर जो है कहीं ना कहीं तेजी की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। आएगी, अब तो आएगी जी, आने की पूरी संभावना है। नहीं भी आएगी तो इस भाव का टमाटर जो है वो बिकता रहेगा। हाँ जी। जिस दिन भी मार्केट के अंदर शिवपुरी का टमाटर थोड़ा और कम हुआ तो मार्केट के अंदर आपको 50 रुपए से लेकर 100 रुपए नक्की और तेजी देखने को मिल जाएगी। अच्छा। क्योंकि शिवपुरी का अभी भी मार्केट के अंदर 15 से 18 गाड़ी आ रही है। एक तो हाइब्रिड आ रहा जी, शिवपुरी है बना, शिवपुरी वाले जी। नहीं, ये तो इंदौर है जी, ये तो इंदौर है जी। हाँ जी, जी शिवपुरी का हाइब्रिड तो आता नहीं। आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। देखिए शिवपुरी का भी हाइब्रिड, ये सामने जो गाड़ी लगी है शायद वो शिवपुरी का हाइब्रिड ही है। अच्छा। तो हाँ जी हाँ जी, लेकिन वो कम क्वांटिटी में लगा हुआ है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगा हुआ। मार्केट के अंदर वो 2 या 3 गाड़ी आती है और शायद वो भी सिर्फ हमारी मंडी में ही आती है। अच्छा। और मंडियों में वो टमाटर नहीं जाता। शिवपुरी वाले का क्या रेट है हाइब्रिड का? जो शिवपुरी का हाइब्रिड है वो भी आज की डेट में जो है 340-350 रुपए बिक रहा है। अच्छा। क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है वो। अच्छा जी हाँ जी हाँ जी। तो जो बात करें ये जो इंदौर की बात करें जी, जो इंदौर का जो अपना ये गोल आता है, गोल जी, गोल टमाटर आया वहाँ इंदौर का, आइए दिखाता हूँ मैं। ये इंदौर का गोल टमाटर है। अच्छा। लेकिन ये क्या है ना, इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, देखिए ये देखिए, लेकिन इसमें हल्के सी नरमाइश आ गई है ये देखिए। अच्छा। और नीचे जो है ना ये देखिए साइज, देखिए साइज छोटा ये है ना, तो ये अभी वो इतनी फाइन क्वालिटी नहीं है। हाँ जी। क्वालिटी 19 है। तो ये जो है ना इस टमाटर की आज की डेट में पोजिशन 250-60 रुपए की है। अच्छा। जो इंदौर का ये साहू है एक्चुअल में ना। हाँ जी। ये जो आपने टमाटर देखा है ये साहू टमाटर है। जो प्योर हिंदसोना टमाटर है वो आज की डेट में 350 रुपए से लेकर 380 रुपए तक टमाटर वो बिक रहा है। ये इंदौर वाले, इंदौर वाला भी और अहमदाबाद का भी हिंदसोना। अच्छा जी।
अब हम आ जाते हैं देसी टमाटर के ऊपर। देसी टमाटर के अंदर जो फाइन क्वालिटी अहमदाबाद की आ रही है वो 350 रुपए से लेकर 380 रुपए तक बिक रही है। अच्छा। उसके नीचे जो क्वालिटी आ रही है वो आ रही है साहू टमाटर की, जो साहू टमाटर शिवपुरी का आ रहा है। हाँ जी। 90% इस टाइम पे शिवपुरी का साहू आ रहा है। हाँ जी। जिसकी पोर्शन 300 से लेकर 330 रुपए तक बिक रही है। सबसे हल्की क्वालिटी कानपुर यूपी का जो टमाटर कानपुर का आ रहा है। हाँ जी। उसकी है, उस टमाटर की पोर्शन 150 रुपए से लेकर 180 रुपए तक बिक रहा है। अच्छा जी। शिवपुरी का 962 नंबर है। हाँ, वो भी 150 रुपए से लेकर 180 रुपए तक बिक रहा है। अच्छा जी। जो क्वालिटी थोड़ी हल्की है, ये तो हो गया देसी का। हाईब्रिड की पोर्शन 350-60 रुपए इंदौर का टमाटर और अहमदाबाद का टमाटर। हाँ जी। फाइन क्वालिटी 350-60 रुपए। उसके बाद हल्की क्वालिटी जो इंदौर के हल्के टमाटर हो रहे हैं वो 270-80 रुपए, और रतलाम का टमाटर मात्र 170-80 रुपए। अच्छा जी। और जो बात करें भाई साहब, जैसे मैं कल परली तरफ वीडियो बनाई थी, करनाल का भी टमाटर आ रहा है। टमाटर आया, बहुत शानदार टमाटर जी, बहुत बढ़िया टमाटर। मैंने आपको पहले वीडियो में भी राणा साहब बताया था कि करनाल की क्वालिटी इस साल बेटर से भी बेटर है। वो जिनका इंटरव्यू लिया कल, वो आरती कह रहे कि जिनका जो साहू बीज है ना, कामयाब हो गया यहाँ पर भी। हाँ, तो वो आने वाला फ्यूचर है। देखिए, कहीं ना कहीं आने वाला जो टाइम है ना, करनाल के अंदर टमाटर खूब लगेगा, क्योंकि वो क्वालिटी पास हो गई है। हाँ जी। और जब भी क्वालिटी पास हो जाएगी, देखिए वहाँ से यहाँ पर जो खर्चा है ना भेजने का, हाँ जी, वो कम है। हाँ जी। मेरे हिसाब से होगा 30 रुपए या 35 रुपए किलो का भाड़ा होगा। हाँ जी। हाँ जी। अब जैसे इंदौर का जो टमाटर आता है या फिर अहमदाबाद का जो टमाटर आता है, उनका भाड़ा 120 रुपए किलो का। अच्छा जी। अगर वहाँ पर टमाटर ज़्यादा क्वान्टिटी में आने वाले टाइम पे लगने लग गया ना, तो वो टमाटर पहले बिकेगा, ये टमाटर आउट हो जाएगा, क्योंकि वो सुबह से शाम को चलेगा और सुबह बिल्कुल वो तो रात को, वो क्या करते हैं किसान, सुबह तोड़ते हैं दोपहर को या शाम को 7-8 बजे निकले। हाँ, सुबह मंडी हो गई। हाँ, फ्रेश टमाटर पहुंचा, भाड़ा कम और उनका खर्चा जो उनसे उनके कंपैरिजन कम होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आने वाले टाइम के ऊपर जिस हिसाब से उनकी क्वालिटी पास हो गई है, हाँ, अगर उन्होंने टमाटर ज़्यादा क्वांटिटी में लगा दिया, तो वो टमाटर किसी और टमाटर को एंटर होने ही नहीं देगा। जैसे नया इलाका समझ लो, शिवपुरी और इंदौर चला था। बिल्कुल 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 राणा साहब, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखो, और ऊपर वाली कृपा से उनको, किसानों को थोड़ा रेट भी मिल रहा है। हाँ, अगर आज की रेट में वो 300 रुपए का टमाटर बिका है, हाँ, तो 250 रुपए के पैसे उनके हाथ में आ रहे हैं, तो फिर भी कुछ ना कुछ उनके हाथ में आ रहा है। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे करनाल की बेल्ट के अंदर टमाटर अच्छी क्वांटिटी में लगेगा। आगे ऊपर वाला मालिक है, ठीक है ना? ये इलाके बदलते रहते हैं, कभी कोई साल आगे। बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल सच्चाई बात है। देखिए, आने वाले पहले भीलवाड़ा का टमाटर कितना निकलता था। हाँ जी, हाँ जी, अब बिल्कुल टमाटर नहीं आता। हाँ जी। ये जयपुर का टमाटर भाजी एक एक दिन की 12-12, 15-15 गाड़ी एक एक दिन के में आती है। हाँ, लेकिन अब कहाँ आ रही है, वो एक गाड़ी दो गाड़ी आ रही है। गाड़ी तो समय जो है परिवर्तनशील है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा एरिया चेंज होते रहते हैं, कोई एरिया बाहर होता रहता है, कोई एरिया अंदर होता रहता है, तो कहीं नए नए बीज कहीं ना कहीं है, जो नई नई तकनीक आती रहती है तो ये परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील होता ही होता है, चाहे कुछ मर्जी कर लीजिए। तो आने वाला फ्यूचर किसने क्या देखा है, देखते क्या होता है। राणा साहब धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई साहब जी। 9811-078-111-078-40 विनय नाम है, अशोक कुमार सुभाष चंद्र, D1334। आप बोर्ड दिखा दीजिए राणा साहब जी।